नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार। मुकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। जी मुकेश जी, तो कोरोना वायरस के खिलाफ जिस तथाकथित जंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के अंत में 21 दिनों में जीतने का दावा कर रहे थे, उस जंग में 100 दिन बाद हम दुनिया के तीसरे सबसे अधिक प्रभावित देश बन गए हैं। करीब 7 लाख मामलों के साथ भारत ने रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। अब हमसे सिर्फ ब्राज़ील और अमेरिका आगे हैं। इस महामारी के कारण देश में जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है, अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है और रोजाना किसी न किसी क्षेत्र से छटनी की खबरें आ रही हैं, उससे किसी भी सरकार को चिंतित होना चाहिए। और उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शुरुआत से ही कोरोना से निपटने के सरकार को सरकार को सावधान कर रहे हैं। और इधर चीन के मसले पर भी राहुल गांधी ने सरकार से सही जानकारी साझा करने को कहा है, लेकिन सरकार की कोई दिलचस्पी उनके सवालों का जवाब देने में नहीं दिख रही है। उल्टे भाजपा की तरफ से कांग्रेस के चीन के साथ संबंधों पर बाल की खाल निकालने का खेल शुरू हो गया है और ये हम देख रहे हैं कि लगातार चल रहा है। और आज भी हमने देखा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को ये कहते हुए निशाने पर लिया कि राहुल गांधी रक्षा मामलों की संसदीय समिति की एक भी बैठक में बतौर सदस्य शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर देश को हतोत्साहित करने और सेना की वीरता पर सवाल उठाने का आरोप भी लगाया है, यानी कि जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है। तो मुकेश जी, एक सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए राहुल गांधी को संसदीय समिति की बैठक में जरूर शामिल होना चाहिए और ये उनकी गलती है कि वो शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके बैठक में जाने और सीमा पर चीन के साथ जो तनाव उपजा हुआ है उसका क्या संबंध है, पहला तो ये। दूसरी तरफ आज भी उन्होंने एक वीडियो जारी करके, यानी कि राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके ट्वीट किया है, ट्विटर पे ही वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोविड-19, नोटबंदी और GST लागू करना इन्हें हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल में फेलियर के तौर पर या रिसर्च के तौर पर पढ़ाया जाएगा। इस तंज से समझा जा सकता है मुकेश जी कि सरकार के इन तीन मुद्दों पर लिए गए जो फैसले हैं वो देश को कितना नुकसान उससे हुआ है और इस पर विपक्ष लगातार हमलावर है और खासकर राहुल गांधी हमलावर हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। सरकार को अगर अपने फैसलों की सफलता पर यकीन है और वो यही मानती है कि उसने जो भी कदम उठाए हैं, जो भी फैसले लिए हैं, उसने देश का भला किया है, उन फैसलों ने भला किया है, तो वो आंकड़ों और तथ्यों के साथ में सरकार जो है वो जनता के बीच आए और साबित करे अपनी बात को। लेकिन सरकार अभी केवल राहुल गांधी पर सवाल उठा रही है। तथ्य तो यही है कि नोटबंदी और GST के बाद देश की अर्थव्यवस्था को बहुत चोट पहुंची और अब कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था लगभग जो है ICU में पहुंच गई है। सरकार अब भी अच्छे दिन जैसे दावे ही कर रही है। तो इन पूरे मसले पे दो मामला है, एक तरफ कोरोना और कोरोना में भारत जो है वो तीसरे नंबर पे मुकेश जी पहुंच चुका है, और दूसरी तरफ चीन को लेकर के जो राहुल गांधी के सवाल हैं और उसके अलावा जो आज का ट्वीट है, इन सारी जो चीजें हैं आज के जो घटनाक्रम है इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और कहना चाहिए कि हतोत्साहित करने वाली उपलब्धि है भारत की कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ये कोई खुशी का मौका नहीं है। जो सरकार ने जिस तरह से इस पूरी समस्या को लिया, इस महामारी को लिया, उसमें ये दिन हमें देखना ही पड़ने वाला था, क्योंकि ये सरकार अपने ढंग से चलने वाली सरकार है। इसमें किसी विशेषज्ञों से राय मशवरा करना, विपक्षी दलों से राय मशवरा करना और उसके जरिए फिर आगे बढ़ने वाला काम नहीं होता है। तो मोदी जी ने अचानक एक दिन सूझा और उन्होंने लॉकडाउन घोषित कर दिया। उसके पहले उन्होंने कोरोना वायरस की कोई खबर नहीं थी, उसकी कोई चिंता नहीं थी, तो वो पूरा समय हमने निकाल दिया था। और फिर हमने दुनिया भर में देखा है कि जिन भी देशों के शासकों ने कोरोना वायरस को ठीक ढंग से नहीं समझा, ठीक ढंग से नहीं लिया, उन देशों में ये बड़े पैमाने पर फैला। आप देखिए अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से बड़बोलेपन से काम लिया, शेख चिल्ली बने रहे, चीजों को कम करके आका और आज वहां बड़ी ही बुरी स्थिति है, इतने 1.5 लाख के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। ब्राजील के बोल्सोनारो लगातार इसी तरह से उन्होंने लापरवाही, ये तो फ्लू है, इससे क्या डरना है, और खुद भी मास्क नहीं लगा रहे। वहां का कोर्ट उनसे कह रहा है कि भैया मास्क लगाओ। इधर वो ट्रंप ने मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं है, इधर बोल्सोनारो। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही किया,
उन्होंने भी शुरुआत में लापरवाही की, लेकिन समझ आ गई उनको जल्दी ही, इसलिए उन्होंने उस पर काबू पाने की कोशिश की और धीरे धीरे उस पर कंट्रोल कर भी लिया। हमारे यहाँ उल्टा हुआ। हमारे यहाँ मोदी जी ने तो ये जरूर भाषण दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह होना चाहिए, लेकिन हड़बड़ाहट में लागू किया लॉकडाउन और फिर उसको हटाने का काम भी उसी हड़बड़ाहट में हुआ और हम देख रहे हैं नतीजे क्या है। तो ये तो सरकार की असफलता और सरकार की जो अदूर दृष्टि है और जो मामलों की समझ नहीं है, परिपक्वता है, अनुभवहीनता है और एक हेकड़ी है कि हमें सब आता है, जो ट्रंप की हेकड़ी थी वह यहाँ की सरकार में भी आप देख सकते हैं, इसकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई। अब आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने तीन समस्याएं गिनाई है, नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना। मैं कहता हूं कि इस सरकार की बीसियों ऐसी चीजें हैं जिन पर घनघोर रिसर्च होना चाहिए, हार्वर्ड ही नहीं देश के विश्वविद्यालयों में होना चाहिए। आप देखिए कि इस सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरह से संबंध खराब किए, पाकिस्तान से जो शुरुआत की मोदी ने किस तरह से उसको मोड़कर ऐसे मोड़ पर ला दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट में हमला और वगैरह वगैरह सब कुछ हो गया। चीन के साथ किस तरह से संबंध बिगड़े हैं और कहां तक पहुंच गए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मामलों में हम पिसड्डी साबित हुए, हमने अपने पड़ोसी देशों से संबंध खराब किए, अर्थव्यवस्था के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, सीए वगैरह के जो कानून बनाए उसकी वजह से जो घनघोर अशांति देश में पैदा हुई, एक लंबी फहरिस्त है। आप लिखते जाइए, बनाते जाइए, आपको लगेगा कि इस सरकार का कोई सिलसिला नहीं है असफलताओं का। आप देखिए ना, विकास विकास की बात करते आ रहे, विकासवाद, विस्तारवाद की जगह विकासवाद की बात उन्होंने की, बड़ी अच्छी बात की, लेकिन कितना विकास कर पाए ये 6 सालों में, उल्टी दिशा में चला गया। अब हमारी आज ही रिपोर्ट आई, सरकारी रिपोर्ट, कि हमारी जो इकोनॉमी है 5% और संकुचित हो जाएगी, इसका मतलब माइनस में जाने वाली। तो ये स्थिति बन गई है। तो राहुल गांधी के ट्वीट तो तंज में आया है, उन्होंने व्यंग किया है इस सरकार पर, लेकिन हकीकत उससे भी ज्यादा भयानक है, उससे भी ज्यादा खौफनाक है। तीसरी बात, जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, ये बीजेपी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी और संघ परिवार हर चीज को किसी तरह से ऐसे जोड़ता है जिससे आपकी देशभक्ति को संदिग्ध बनाया जाए। आप सेना पर भरोसा नहीं करते हैं, आप इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं करते हैं, जुडिशरी, इस तरह की प्रश्न उठाकर आपकी देशभक्ति को प्रश्नांकित किया जाता है, आपको सवाल के घेरे में खड़ा किया जाता है, क्योंकि दूसरे सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। इनके पास इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं है कि चीनी सेना कैसे हमारी भूमि पर घुसी, कैसे उसने कब्जा कर लिया और कैसे हमारे इतने सारे सैनिक हताहत हुए, इसके बारे में अभी तक कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। तो वो लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक जो एक कहना चाहिए कि शालीन एक सत्तारूढ़ दल होता है जिसको जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए, वो गरिमा, वो गौरव इस सरकार में है ही नहीं, जिसकी वजह से वो इस तरह के एक सांप्रदायिक और एक अंधराष्ट्रवादी मोड़ देना हट घटना को, जो कि हम मीडिया में भी देखते हैं, विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दो तुरंत, जो विरोध करे, जो सवाल करे, उसको बदनाम कर दो। तो ये सिलसिला है इस पार्टी का, इस सरकार का, और इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जी, और मुकेश जी, कुछ समय पहले पतंजलि की ओर से कोरोना की दवाई बनाने का दावा किया गया था, जिसे बाद में खारिज भी कर दिया गया। अब कुछ दिनों से ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन को 15 अगस्त तक भारत में तैयार कर लिया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आज़ादी की वर्षगांठ के साथ साथ कोरोना वैक्सीन की बात जोड़ करके महामारी से आज़ादी जैसी कोई बात सोची जा रही है। शायद इससे मोदी जी की छवि को कुछ और बड़ा बनाने में मदद मिलेगी। वैसे अगर कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सचमुच देश में बन जाए तो ये हम इंडियंस के साथ साथ सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। मगर
इस पर समय से पहले खुश होना ठीक नहीं है। दरअसल भारत की 6 कंपनियां कोरोना की वैक्सीन के लिए काम कर रही हैं, जिनमें से कोवैक्सीन और जैकोव डी को मानव परीक्षण के लिए, जो ह्यूमन ट्रायल के लिए अनुमति मिल चुकी है। सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के अंत की शुरुआत है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने 2 जुलाई को एक खत में कहा है कि सरकार ने COVID-19 के खिलाफ भारत में तैयार किए गए वैक्सीन को 15 अगस्त तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन विज्ञान विशेषज्ञों ने इस तरह की हड़बड़ी से बचने की मुकेश जी सलाह दी है। इसी रविवार को इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस के शीर्ष वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि ऐसे डेडलाइन सेट करके अगर काम हुआ तो बहुत सी चीज़ों से समझौता करना होगा जिसके दुर्गामी नतीजे ठीक नहीं होंगे। और इधर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत आने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें कोरोना वैक्सीन के 2021 तक आने की संभावना का उल्लेख किया था, लेकिन बाद में इसे विज्ञप्ति से हटा दिया गया है। जाहिर है कि सरकार की तरफ से कोरोना की वैक्सीन के बारे में दावे पूरी तरह जांच परख करके नहीं किए गए, इसीलिए परस्पर विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। क्या कहेंगे मुकेश जी कि मोदी सरकार की जल्दबाजी जो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, और खासकर 15 अगस्त से जो इसे जोड़ करके देखा जा रहा है, फिर इन्हीं का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो कभी इसके बारे में 2021 की बात करता है, कभी उसे विज्ञप्ति से बाहर करता है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी होगी, और इसमें जो मोदी सरकार है वो 15 अगस्त से क्यों जोड़ के देख रही है। इन तमाम जो घटनाक्रम है, ये पिछले सप्ताह का घटनाक्रम है, इस पे जरा प्रकाश डालिए। देखिए, दुनिया में 2 ऐसे महानुभाव हैं जो वैक्सीन के लिए बिल्कुल बेताब हो रहे हैं। पूरी दुनिया बेताब है, वैक्सीन सबको चाहिए, लेकिन चुनाव के लिए वैक्सीन चाहिए। एक है हमारे ट्रम्प साहब, जिनको लगता है अगर वैक्सीन आ जाए तो अभी जो डूब रही है उनकी नैया, इलेक्शन नवंबर में है तो वो उबर सकते हैं, वो अपनी नैया को किनारे ला सकते हैं, और अगर वैक्सीन आ जाएगी तो अर्थव्यवस्था भी थोड़ा सुधर जाएगी और उसका फायदा उनको चुनाव में मिलेगा। एक हमारे माननीय मोदी जी हैं, जिनको लगता है कि लाल किले से मैं घोषणा करूं कि देश ने वैक्सीन बना ली है। अब वो कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, बन सकती है नहीं बन सकती, इससे उनको कोई मतलब नहीं। तो ICMR ने जो घोषणा की है या जो निर्देश दिए हैं वो दरअसल एक राजनीतिक दबाव के तहत दिए गए हैं, ये बिल्कुल साफ है। क्योंकि कोई भी जो बुनियादी साइंस को समझता है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसके जो अनुभवहीन वैज्ञानिक भी होगा वो भी जानता है कि किस किस स्तर के ट्रायल होते हैं। देखिए, Phase 0 होता है जिसमें आप लैब के अंदर टिश्यूज पर, सेल्स में या एनिमल्स पर परीक्षण करते हैं, और जब उस सफल हो जाते हैं उसके बाद Phase 1, Phase 2, Phase 3 के ट्रायल आते हैं, और इन सब में, किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में डिपेंड करता है 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। तो एक लंबा समय इस तरह के रिसर्च में लगता है। ठीक है कि ये एपिडेमिक का मामला है, पैंडेमिक का मामला है, और इसमें जल्दबाजी थोड़ा जरूरी होती है क्योंकि इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दबाव रहता है कि आप 1-2 फेज को क्लब कर लें, Phase 1 और Phase 2 को। जैसे Phase 1 में 100 लोगों पर प्रयोग किए जाते हैं, फिर Phase 2 में 300 लोग लिए जाते हैं, और Phase 3 में 3000 लोग लिए जाते हैं। तो ये हो सकता है कि Phase 1 और Phase 2 को क्लब कर दें और 300 लोगों पर प्रयोग एक साथ कर दिए जाए। लेकिन फिर भी ये 40 या 45 दिन का समय दिया है ICMR ने, 12 जो हॉस्पिटल है उसके लिए चुने गए हैं, उनके जरिए ये रिसर्च कंप्लीट करने को कहा गया है। तो ये बड़ा हास्यास्पद है, मतलब जो फेमस वायरोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि ये तो बड़ा ही रिडिकुलस डिसीजन है कि आप इतने जल्दी इसको करके दे दीजिए। अब इस दबाव में क्या, अच्छा इसकी और भी प्रोसेस है भाई, जिनको आपने दिया है उनकी एथिक्स कमेटी होती है, वो इसको देखती है, उसके बाद वो मंजूरी देंगी, फिर पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करेंगी। दुनिया देख रही है आपको, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं, 100 से ऊपर ज्यादा जो शोध है वो चल रहे हैं यहाँ पर। आप कैसे ये मजाक समझ लिया है आपने कि आप सारी प्रोसेस को बाईपास करके वैक्सीन बना लोगे? आप इतने शोध में, रिसर्च में इतने आगे निकल गए हो कि 40 दिन में आप वैक्सीन बना लोगे? दुनिया में अभी तक केवल 2 वैक्सीन बनी है पेंडेमिक, इस तरह की महामारियों की,
सौ साल के इतिहास में आप सोचिए, और ये चाहते हैं कि 45 दिन में एक नई वैक्सीन तैयार करके 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा कर दी जाए। तो ये मजाक है, ये सरकार क्या है मेरे समझ में नहीं आता। ये कम से कम अच्छे सलाहकारों की राय तो मानना चाहिए, नहीं मानेंगे। जितने सलाहकार अच्छे थे सब एक एक करके दफा हो गए हैं। अब ICMR में जो लोग बैठे हैं वो सब साइंटिस्ट हैं, वो जाने माने रिसर्चर हैं, वो जानते हैं। आप देखिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण है और मुझे पता नहीं कैसे करेंगे ये। तो ये सीधी सी चीज है, वो इस सरकार समझने की कोशिश नहीं करती है। ऊपर से एक निर्देश दिया जाता है ये करिए, ये कोई मतलब तानाशाही का इससे बड़ा उदाहरण कोई कुछ नहीं हो सकता है कि आप किसी को भी इस तरह के आदेश दे दें बगैर ये उस चीज को, उस विषय को जाने समझे। और साथ साथ पूरी दुनिया में देश की जो स्थिति है, मतलब वो हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है, और देश की एक तरह से कहें तो बदनामी भी हो रही है। ये इसको अगर देखा जाए तो जिस प्रकार पूरी दुनिया के लोग, जैसा आप बता भी रहे हैं कि 100 से ज़्यादा जगहों पे अलग अलग उस पर वैक्सीन को लेकर के रिसर्च चल रहे हैं, और उसमें अगर आप 15 तारीख मतलब एक घोषणा करने की उस पर आ गए हैं कि नहीं हम तो 15 को लॉन्च कर रहे हैं, तो हास्यास्पद स्थिति तो है ही। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप कुछ बोल रहे थे मुकेश जी। अब देखिए उसके पहले रामदेव ने एक घोषणा कर दी कि ये वैक्सीन हमने दवा बना ली है, कोरोना की दवा बना ली है, लॉन्च कर दी कोरोना के नाम से। हाँ, ये जब तक लॉन्च होती रही तब तक सरकार को कुछ पता नहीं था, अंधेरे में थी, और लॉन्च होने के बाद जब तक हर तरफ से सवाल उठने लगे तो और आनंद फानन में फिर कार्रवाई की गई। तो अभी भी रामदेव को इस फ्रॉड के लिए अरेस्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। उन्होंने अपनी दवा का प्रचार कर लिया है और जो अंध भक्त हैं उनके उस दवा को खा रहे हैं, वो दवा को ले रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए कि इस देश में ऐसे अंधभक्तों की कमी नहीं है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये खबर पूरी दुनिया में गई कि भारत में इस तरह की एक घटना हुई है जिसमें जड़ी बूटियों से कोरोना की दवा बनाने की घोषणा की है, लॉन्च भी कर दी गई है, मार्केट में भेज दी गई है, बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कितना हास्यास्पद है। आप चाह रहे हैं कि आपका नाम दुनिया में हो, आप विश्व गुरु बने, रिसर्च में आगे निकले, ज्ञान विज्ञान हर दिशा में आपकी जय जय हो, और इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप तो मतलब वही लोगों की जो धारणा है कि अभी इंडिया साफ सफेरे वाले युग में ही रह रहा है, वो इससे और पुष्ट होती है। तो ये पूरा माइंडसेट इस सरकार का और उसके जो संगठन है, सरकार में जो सत्तारूढ़ दल है, वो उसकी वजह से ये स्थितियां पैदा हो रही। जी जी मुकेश जी, तो सरकार को इस वक्त तारीफ बटोरने से अधिक ध्यान वैक्सीन विकसित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर देना चाहिए। वैक्सीन किस महीने की कौन सी तारीख को आएगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरी ये है कि वैक्सीन जब भी आए पूरी तरह से जांच परख करके आए, ताकि उसमें कोई किसी तरह की कमी न निकाल पाए और उससे कोरोना की रोकथाम में 100% सफलता मिले। सरकार अगर अपने ऊपर उठते हुए सवालों का सटीक जवाब देना चाहती है तो उसके लिए विपक्ष को निशाने पर लेने से जो लेती रही है सरकार, उसकी जगह पे बेहतर है कि कोरोना से निपटने पर ध्यान दे। और दूसरी तरफ जो सवाल, हम तो कोरोना की बात कर रहे हैं लेकिन साथ साथ जो चीन का मसला भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चस्पा हो गया है, उस पर भी सरकार जो है खुल करके जवाब दे, और कम से कम मोदी जी एक बार चीन का नाम तो ले लें। जनता भी उनके मुंह से चीन का नाम सुनना चाहती है, जो अभी तक नहीं लिए हैं मोदी जी। तो मुकेश जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने बहुत ही ध्यान से इस गंभीर चर्चा को सुना, इसके लिए भी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और देखते रहिए DV Live, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।